हम बताएंगे, कविता हम बताएंगे। अभी पादंग बीच से निकल के हम लोग सुलुमन बीच पहुंच चुके हैं और यहां पर भी एंट्री फीस जो थी वो 5000। बड़ी सुंदर दिखती हो लगती हो। अभी भी कोई भी नहीं रुक रहा, कोई भी, सब लोग जा रहे हैं। देखो अब यहाँ पे शाम होती आ रही ना, तो सब लोग यहाँ पे ज़्यादातर सनसेट के लिए आते हैं। देखो तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी आ चुके हैं बिकॉज ऑफ सनसेट। सनसेट होने के बाद ही सब लोग यहाँ से जाएंगे। अब ये सनसेट पॉइंट है यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ का जो सनसेट होगा पूरी पाली में आपको नहीं। अभी के 4 बज चुके हैं और इतना ज़्यादा हम लोगों ने मज़े किए। अभी 4 घंटे से हम लोग मतलब पानी में भीग रहे थे, अब थक चुके हैं। अब कुछ पियेंगे यहाँ पे कैफ़े वगैरह के अंदर, उसके बाद दूसरे बीच जाएंगे। ये रहा हमारा कैफ़े। यहाँ कुछ पीते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो भाई लेके आओ फटाफट। ये देखो कितना बड़ा हमें यहाँ पे नारियल मिला है। ये हमें पड़ा है 24,000 IDR का। इतना बड़ा तो मतलब मैं गोवा के अंदर ही मैंने नारियल नहीं देखा था। बट ये कुछ अलग ही है इंडोनेशिया का। काफ़ी मतलब महंगा भी है कंपेयर टू इंडिया, लेकिन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मीठा भी है। ये हम लोग बिल्कुल बीच के फ्रंट के ऊपर बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत नारियल पानी पीते हैं, उसके बाद कुछ खाने को जाएंगे। अभी पादंग बीच से निकल के हम लोग सुलुमन बीच पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी एंट्री फ़ीस जो थी वो 5000 IDR थी, वो हमने दे दी है। अब एंट्री ले रहे हैं और देखते हैं कि ये बीच कैसा है। अरे ये कौन, भुट्टा? भुट्टा बोल रहा है, क्या बात है हिंदी। ये है सुलुमन बीच। यस, यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। टाइम मेरे ख्याल से 4:30 बज चुका है ऑलरेडी। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, देखते हैं कैसा है आगे से। ओह गॉड, वेरी गुड, क्या बात है भाई साहब, देख लो ज़रा। कितना सही बना हुआ है, मतलब सुलुमन बीच वी आर कमिंग। देखो हर बीच के ऊपर यहाँ पे क्लब है, पब है, मस्त सा माहौल भी है। तो जो पहले वाला बीच था वहाँ पे मतलब गुफाएं बनी हुई थी और यहाँ पे देखो यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई नीचे आने के लिए। यहाँ पे भी वही मुझे लग रहा है सर्फिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है। साइड में बैठ जाएंगे। मुकाबला कैसे हम करते हैं यार अब की बात। मैं तो कह रहा हूँ यही खा लेते अपन लोग कुछ भी, मतलब जो भी चीज़ सही से मिले। कैफ वहाँ चलना है, कैसे चलना है? मैकडी, चलो मैकडी चलते हैं। उत्तरी, वाओ, यस, पंटाई, सुलुबा, उलू माटी, बाली। आजा वाय, हो जाएगा हो जाएगा। जो नहीं नहीं नहीं, कम कम विद मी ना भाई, बहुत ज़्यादा ही हार्ड है यहाँ का रास्ता। देखो साइड में क्या ना, बिल्कुल एकदम चिपक के आ जाओ। हाथ दो मुझे, हाथ दो, आराम से आराम से। अच्छा हो गया हो गया। ओ भाई रास्ता देखो इस बीच का, आप कितना बढ़िया है, गुफाएं बनी हुई गुफाएं। चलो चलो चलो, ओ माय गॉड, ये हमारा 3रा बीच है मतलब कल से लेके अभी तक का। ओ तेरी, ये बहुत हार्ड है, आराम से आना है यहाँ पे। हाँ हाँ आप आ जाओ। चलो भाई नीचे आके मिलते हैं, बंद कर रहा हूँ मैं। ये देखो भाई यहाँ बैठने की जगह भी बढ़िया गुफा के अंदर, और ये रहा बीच, वेरी गुड, अमेजिंग।
यार यहाँ के बीच बहुत सेक्सी बने हुए हैं, बहुत सेक्सी बीचेस बने हुए हैं। सी यहाँ पर आराम से मज़े कर सकते हैं। ये देखो ये भी गुफा के नीचे बना हुआ, देखो पूरा का पूरा बीच। आगे चलते हैं, पूरा कवर करते हैं। यहाँ से हम आज सनसेट देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया नज़ारा यहाँ पे होगा सनसेट का। उसके बाद ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे सोलोमन बीच से। ये देखो यहाँ पर ये है, और ये पूरा यहाँ पे ऊपर कैफे बना हुआ है। छोटा ही बीच है बट काफ़ी बेटर है, बढ़िया है, घूमने लायक है। ये हम लोग दूसरे साइड के ऊपर आ चुके हैं अभी। ये देखो यहाँ पर भी वो कैप्स वगैरह बनी हुई है गुफा के अंदर बीच बने हुए हैं। मतलब ये देखो ये बहुत ज़्यादा चिकना हो रहा है यहाँ पर, तो बहुत बहुत मुश्किल से यहाँ से चलना पड़ रहा है। ये देखो भाई साहब मज़ेदार बीच। थोड़ा आगे होकर आते हैं। कब ओ नाइस। हाँ हाँ आराम से, बहुत बढ़िया है। तो यार तो देखो इसका भी यही है, छोटी छोटी गुफाएँ बनी हुई हैं, उसके अंदर जो है बीचेस हैं। वेरी गुड। ये देखो बहुत बढ़िया है भाई, ऊपर पूरे पहाड़ी पहाड़ है यहाँ पे। ये देखो और आगे चलते हैं आराम आराम से, धीरे धीरे, हल्ले हल्ले। तो देखो आप ऊपर सारी होटल्स बनी हुई, कैफेज बने हुए हैं, और जो है यहाँ पर ये है। फिर भी देखो ये बहुत चिकनी है, ध्यान से आना यहाँ पे। सी दिस, ये है रियल व्यू। ये देखो भाई साहब सोलोमन बीच। देखो भाई हम लोग यहाँ पे अभी आराम फरमा रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे फिशेज हैं। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी, ओहो क्रिस्टल क्लियर वाटर एंड फिशेज दिख रही। ये रही, ये देखो इतनी प्यारी लग रही है भाई साहब। ये देखो फिशेज यार, वेरी वेरी गुड। देखो 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 पूरा वहाँ तक ऐसा ही है, बहुत सारे फिशेज हैं यहाँ पे, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखो क्रिस्टल क्लियर वाटर। ये यहाँ से इसकी एंट्री है, और ये देखो ऊपर यहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ है। ये एंट्री करके आप जो है ईजी यहाँ, वेरी वेरी इजी सी। बड़ी सुंदर दिखती हो। देखो अब यहाँ पे शाम होती आ रही ना, तो सब लोग यहाँ पे ज़्यादातर सनसेट के लिए आते हैं। देखो तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी आ चुके हैं बिकॉज ऑफ सनसेट। सनसेट होने के बाद ही सब लोग यहाँ से जाएंगे। अब ये सनसेट पॉइंट है यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ का जो सनसेट होगा पूरी बाली में आपको नहीं दिखेगा, इतना बढ़िया यहाँ का सनसेट होगा। हम लोग भी इसीलिए वेट कर रहे हैं सनसेट हो तो हम लोग भी यहाँ से निकलें, उसके बाद थोड़ा खाना वाना खाएँ जाके। बस यहाँ पे सनसेट होने ही वाला है, सब लोग वेट कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर लगभग 5:30 बज चुके हैं, नहीं 5 नहीं यार 6 बज चुके हैं यहाँ पे। देखो भाई क्या नज़ारा है सनसेट का यार, बादलों के नीचे से गजब भाई। टाइम हो चुका है यहाँ पे 6:15, सर्फिंग इन लोगों की रुक नहीं रही अभी तक, सर्फिंग करे जा रहे हैं। ये देखो मस्त नहाना भी चल रहा है। ये देखो भाई साहब गजब गजब गजब, ऐसा नज़ारा है कि आज तक देखा ही नहीं हुआ। ये इंडोनेशियन पीपल, ये देखो जस्ट पहाड़ के नीचे बना हुआ है ये बीच, फुल मज़ेदार। ये देखो इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है यहाँ का। ये देखो ये मैं खड़ा हूँ बहुत दूर, इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, बस ये एक और है ऑप्शन जाने का।
भाई लोग शाम के 6 बज चुके हैं मतलब इंडोनेशिया के अंदर, और अभी इंडिया में टाइम हो रहा होगा 3:30 बजे के आसपास, ठीक है। तो बस अभी सनसेट होते हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अभी सुबह से हमने खाली मतलब ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, तो अभी देख रहे हैं तो कैफे चल जाए या फिर हम लोग जाएंगे कबाब सिंह करी, वहाँ पे मस्त डिनर करेंगे, उसके बाद जाएंगे होटल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नज़ारा है कि भाई जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मतलब चारों तरफ बिल्कुल शांति है, और मतलब ये देखो अभी धूप बिल्कुल जा चुकी है, ठीक है। बादलों की वजह से सनसेट यहाँ पे दिख नहीं रहा है अच्छे से, बाकी ये सनसेट पॉइंट है यहाँ पे बाली का। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा। तो बादल इतने हो गए हैं कि अभी सनसेट का मतलब नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बाकी जो फील है ना यहाँ की, जो वाइब्स है वो बिल्कुल टॉप लेवल की। इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पे खड़ा होके भाई, मज़ेदार एकदम बढ़िया। चलो भाई यहाँ पे बहुत देर हो गई खड़े खड़े, अब चलते हैं और यासमीन को देखते हैं कि कहाँ पर बैठी है वो। चलो भाई बिल्कुल ध्यान से। ओह शिट, ओह मैन, कम ऑन, लेट्स गो। ये पूरी चट्टान इतनी गीली का, इतनी ज़्यादा फिसलनी हो चुकी है ना अभी, गजब लेवल की। ये देखो यहाँ पे ही सब लोग अपने कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं। अभी भी कोई भी नहीं रुक रहा, कोई भी, सब लोग जा रहे हैं स्विमिंग करने के लिए। यार ये कैफे बहुत प्यारा लग रहा है मुझे यार, ये अभी होके आएंगे यहाँ, देख के आएंगे क्या यार। हम यहाँ बीच से निकल चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए फटाफट से भागना पड़ेगा, और रात भी हो गई है फिलहाल। देखो अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बाकी हमें यहाँ से निकलना होगा, तो लेट्स गो। देखो ये रास्ता जा रहा है ऊपर होटल के लिए, ठीक है, और ये रास्ता जा रहा है ऊपर जाने के लिए, वापस जाने के लिए। तो हम यहाँ से चलेंगे। चलो भाई लेट्स गो बैक टू होटल। होटल जाने से पहले हम लोग अभी कुछ खाएंगे पीएंगे, उसके बाद जाएंगे होटल में। भाई ये देखो हम लोग वापस जा रहे थे, ये व्यू मुझे मिला, इतना बढ़िया लग रहा है ना ये वाला व्यू। ये देखो बारिश स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की, और अब जो है जो मौसम तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो चुका है यहाँ। ये देखो बाली मतलब सुपर सेक्सी बन चुका है। ये देखो यहाँ पे ये होटल्स बनी हुई हैं, कैफे बने हुए हैं, और नीचे की तरफ जाके बीच है। हम लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर। ये बेटी हमारी यासमीन, जी गज़ब, वेरी वेरी गुड।